अगर तुम्हारा बेटा कहीं नौकरी भी कर रहा है तो मैं सत्य कहता हूं, आप घर में बैठे रहिए, लेकिन गौ सेवा यदि आप करते हैं तो गौ माता का आशीर्वाद उसकी रक्षा कर रहा है। जहां पर वो है वहीं उसकी रक्षा हो रही है। गौ माता के सन 62 की घटना एक मुझे याद आ गई। जब भारत और चीन में युद्ध हुआ था तो उस समय की एक घटना स्मरण हो आई, उसको मैं सुना दूं गौ माता का कितना प्रभाव है। एक सैनिक युद्ध के मैदान में है और बार बार उसके सीने के सामने गोली आ रही है और वो बच रहा है। केवल ये मत समझना कि ये मात्र दृष्टांत महाराज जी सुना रहे हैं, इस दृष्टांत में पूरी पूरी अक्षरशः वास्तविकता है। ये कोई रोचक दृष्टांत, प्रभावित करने वाला दृष्टांत नहीं है, ये हृदय स्पर्शी दृष्टांत है, आप सबको जागृत करने वाला दृष्टांत और सिद्धांत है। बार बार उसके सामने गोली आ रही है और गोली से वो बच रहा है। उसके साथी कई शहीद हो गए लेकिन वो बार बार बच रहा है। आश्चर्य है क्यों बच रहा है, कैसे बच रहा है। जब युद्ध विराम हुआ, कई महीने तक युद्ध चला था, लगभग 8 महीने, उसमें कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब युद्ध विराम हो गया तो वो घर आया और उसने अपनी मां को प्रणाम किया, आंखों में आंसू थे। तो मां ने कहा, बेटा भूखे होगे भोजन कर लो, मैं महीनों से तुम्हारी याद कर रही थी कि मेरा बेटा कैसा होगा, क्या हो रहा होगा। सन 62 में तो दूर संचार की व्यवस्था नहीं थी, कोई सूचना भी नहीं मिल सकती थी। सन 62 की बात है, सूचना भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन रात दिन वो चिंतित थी और याद करती थी अपने बेटे की। इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा, केवल एकमात्र संतान, बेटियां भी नहीं थी और पति भी दुनिया से चला गया था, केवल बेटा ही था। का बेटा भूखा है तू भोजन कर ले। का मां मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। अरे फिर भी लंबी यात्रा करके आया तो पानी पी ले। मैं अभी पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों, वो गाय कहां है। मात्र उसके घर में एक गाय थी और मां उस गौ की सेवा करती थी। केवल गौ और वो मां दो ही थे, गौ मां और जन्मधात्री मां, केवल दो ही मां थी उस घर में, गौ मां और जन्मधात्री मां। जन्मधात्री मां गौ मां की सेवा करती थी और बेटे की मंगल कामना की याचना करती थी। उसने अपना घर गौशाला बना दिया, गौ माता का मंदिर बना दिया था। क्षमता केवल एक गौ के पालन पोषण की थी उसने, इसलिए एक गौ थी। वो गौ कहां है जो इस घर में रहती थी, वो दर्शन नहीं दे रही। कहा, बेटा ठंडी का समय है इसलिए बाहर नहीं है, वो अंदर है। तो दौड़ करके गया और गौ मां के चरण पकड़ लिए उसने। मां कहती है, बेटा तुम कई बार आए लेकिन इतनी प्रीति गौ मां से नहीं थी, इस बार इतनी प्रीति गौ मां से, मैं समझ नहीं पा रही हूं। तो वो रोते हुए कहता है कि मां आज मैं सुरक्षित बच के आया हूं, आपके सामने खड़ा हूं, इसमें गौ मां का आशीर्वाद है और दूसरा कुछ नहीं। दुश्मन की गोली जब जब आती थी मेरे हृदय के सामने तो गौ मां स्वयं आकर के मुझे दर्शन देती थी और गोली को मोड़ दिया करती थी। जितने बार ही गोलियां आती थी उतने बार मुड़ती जाती थी, मुझे गोली दिखाई नहीं देती थी,
उस समय मुझे घर में रहने वाली गौ माता का दर्शन होता था, घर में रहने वाली गौ माता का दर्शन होता था। तब मां गौ माता से लिपट गई और कहने लगी, बेटा जब तुम घर से चले जाते हो और किसी बॉर्डर में राष्ट्र की रक्षा में लग जाते हो, मैं निरंतर गौ मां की परिक्रमा करती रहती हूं और गौ मां की सेवा करती रहती हूं, परिक्रमा करती रहती हूं। गौ मां से यही प्रार्थना करती हूं, पति तो इस दुनिया से चला गया है, केवल मेरे जीवन का आधार पुत्र रह गया है। मां वो भी परिवार पोषण के लिए सैनिक बनकर के देश की सेवा में लगा हुआ है, देश की सेवा भी कर रहा है और उसी धन से वो मेरी भी सेवा कर रहा है और गौ मां आपकी भी सेवा कर रहा है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा के बदले में यही चाहिए कि मेरे पुत्र की रक्षा करती रहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं प्रतिदिन गौ मां से यही मांगती थी। और ईमानदारी से बताओ, गौ मां ने घर में रहते हुए चीन के बॉर्डर पर बोलो उसकी रक्षा की कि नहीं की? और यह बात गोरखपुर के कल्याण अंक में छपी हुई थी 1962 की। गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण असत्य लेखन नहीं करता है, इस बात की पुष्टि है। असत्य लेखन नहीं होता है गीता प्रेस से, प्रमाणित, जो प्रमाणित होता है वही लेखन उसमें छपते हैं, वही लेख छपते हैं, वही लेखन होता है। इसलिए शास्त्र वाक्य मानिए, गीता प्रेस गोरखपुर से जो भी सूचना निकलती है, जो भी आपको पत्र पत्रिकाएं प्राप्त होंगे, उनमें हस्ताक्षर भगवान श्री कृष्ण का होता है। हस्ताक्षर किसका होता है? योगेश्वर श्री कृष्ण का होता है, क्योंकि गीता प्रेस। गौ मां की रक्षा करो और गौ मां का पालन पोषण करो।